धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। पढ़े लिखे नौजवानों को नहीं कोई रोजगार की व्यवस्था। इटावा डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने अपने दर्जन भर साथियों के साथ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इटावा ज्ञापन देने आए डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष राजा बाबू ने बताया, उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह खा एवं गा के पदों पर नियुक्ति एवं नियमितीकरण नियमावली 2020 को लेने के विचार में है। पिछले 4 वर्ष से भी अधिक समय से अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। उसके परिणाम आने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और यदि परिणाम आ भी जाते हैं उसके बाद भी संविदा पर नियुक्ति और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थी का उन तमाम आशाओं पर कलंक साबित होगा जो उसने अपने लिए व अपने परिवार के लिए देखा है। 5 वर्षीय संविदा अवधि भ्रष्टाचार और उगाही को प्रेरित करेगी, वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी को स्वतंत्र रूप से कार्य में भी बाधा उत्पन्न करेगी। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। कर रहे थे उन्हें उनसे निकाल दिया गया है और उनके लिए कोई जॉब भी नहीं निकाली जा रही है और ऐसा बता रहे हैं कि जुलाई के बाद जो फार्म डाले गए थे और जो अभ्यर्थी ने फार्म डाले थे उसको सब निरस्त कर दिया गया है। उनकी ना कोई परीक्षा होगी और ना उनकी अब कोई वैकेंसी निकाली जाएगी। उसके बाद में हमारी दूसरी मांग ये है, सरकार का ये कहना है कि 5 साल तक हम संविदा के तौर पर आपको काम करवाएंगे, संविदा के तौर पर आपको 5 साल तक काम करना पड़ेगा। अगर बच्चे को संविदा के तौर पर 5 साल तक काम करना पड़ेगा, 5 साल के बीच में अगर बच्चा 60% मार्क्स निर्धारण किया गया है, अगर बच्चा किसी भी बात पर एक बार फेल हो जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? अगर ओवर एज भी बच्चा हो रहा है, वैकेंसी भी कोई आ नहीं रही है, 5 साल के बाद आप उसे निकाल देंगे तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि युवाओं को खिलौनों का व्यापार करना चाहिए। अरे हम खिलौनों का व्यापार करेंगे, चलो ठीक है, हमने मान लिया खिलौनों का व्यापार करने के लिए तैयार। आप बीएड बीटीसी और जो कोर्स है इंटर के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में, उन्हें आप बंद कर दीजिए। बच्चा फीस एडजस्ट कैसे करता है? 2-2 लाख बीएड बीटीसी में खर्च हो जाता है, उसके बाद में खर्च होने के बाद में समय बर्बाद 2 साल करता है वो, और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहता है। आपको खिलौनों का ही व्यापार करवाना है तो ये सब कोर्स बंद कर दिए जाएं। बच्चा खिलौनों का व्यापार करेगा, अपने कम से कम टाइम तो बर्बाद नहीं होगा। अब कोई बच्चा है रेंट पर रहकर कर रहा है, उसके पापा किसान है, किसी के पापा है ही नहीं है, वो कैसे फीस एडजस्ट कर रहे हैं, किस तरह फीस जमा कर रहे हैं? और आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता ना।